हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टाफिंग गॉड। मैं हूं गौरव। और दोस्तों, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं और मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर जॉब डीवा पे वीडियो बनाइए। दोस्तों, मैं जॉब डीवा पे ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं लास्ट ईयर, लेकिन कॉपीराइट की वजह से वो वीडियो यूट्यूब से हटा दी गई। सो अभी मैं फिर से जॉब डीवा पे वीडियो बना रहा हूं, लेकिन मैं अभी आपको वीडियो अपनी स्क्रीन पे शेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं अभी लैपटॉप मेरे सामने है, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि क्या क्या कैसे कैसे करना है। आप साथ में जॉब डीवा खोल लीजिए और मैं अपनी स्क्रीन पर देखकर आपको स्टेप्स बता दूंगा और आप उन्हीं स्टेप्स से जॉब डीवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जिन लोगों ने, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज़ शेयर द वीडियोज़ एज मच एज यू कैन। चलिए दोस्तों, अब आप सभी लोग अपना जॉब डीवा का जो होम पेज है उसे ओपन कर लीजिए। सो मैं आपको आगे स्टेप्स बता सकूं कि कैसे जॉब डीवा को यूज़ करते हैं। तो जो जॉब डीवा का होम पेज है, जिस पर आपके राइट साइड में ऑप्शंस आ रहे होंगे, होम का फोटो बना हुआ होगा, फिर एक यूज़र डैशबोर्ड होगा, एक एप्लीकेशंस होगी और सबसे लास्ट में सेटिंग होगी और सेटिंग से ऊपर हिस्ट्री होगी। तो जो आप हिस्ट्री पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने लास्ट में कौन सी जॉब पे काम किया था, कौन कौन से कैंडिडेट्स को आपने कांटेक्ट किया है, ये सब आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं कि अगर कोई जॉब है हमारे पास और हमें उसको उसके लिए बंदे सर्च करने हैं तो हम कैसे सर्च करेंगे। तो जो हमारा होम पेज है उस पर एक बार है टैलेंट सर्च का, तो हम उस टैलेंट सर्च पर जाएंगे और उसे क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज ओपन होगा जिसके अंदर हमारा स्ट्रिंग डालने के लिए जगह दे रखी है। जो सब उसमें तीन बार होंगे, सबसे पहले रिक्वायर, देन एक्सक्लूड, देन क्वालिफिकेशन, देन एट्रीब्यूट, देन टाइटल। जो सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं वो तीन चीज है इसमें मेनली। रिक्वायर मतलब जिसमें आपको स्किल्स पुट करनी है। सेकेंड वन एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब क्या नहीं होना चाहिए। और द लास्ट वन इज टाइटल, मतलब आप अगर किसी टाइटल के साथ जाएंगे तो इसमें इजीली आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम कोशिश करते हैं कि किसी जॉब को सर्च करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे सपोज हमारे पास एक जावा डेवलपर की स्ट्रिंग है या जावा डेवलपर की हमारे पास एक पोजीशन है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें ये देखना है कि रिक्वायर में हमारे पास क्या क्या है। या चलिए जावा डेवलपर सिंपल हो गया, एक दूसरे तरह का लेते हैं जैसे जिसके मल्टीपल टाइटल्स हो सकते हैं, जैसे क्वालिटी इंजीनियर का हम ले लेते हैं, QA एनालिस्ट। तो हमें सिंपल कुछ नहीं करना है, जो रिक्वायर्स में हमारे उसके अंदर दे रखे होंगे स्किल्स हम वो डाल देंगे। सपोज हमें ऑटोमेशन इंजीनियर चाहिए, ऑटोमेशन QA चाहिए, तो हम सबसे पहले कीवर्ड्स में डाल देंगे ऑटोमेशन। ओके, और फिर जब आप कीवर्ड में ऑटोमेशन डालेंगे तो आप राइट साइड में देखेंगे कि अल्टरनेट का ऑप्शन आ रहा होगा, एक उसके नीचे न्यू स्किल का ऑप्शन आ रहा होगा, क्योंकि हम अल्टरनेट फिल कर रहे हैं और वाला पोर्शन, तो हम अल्टरनेट पे प्रेस करेंगे और ऑटोमेशन की जगह हम एक ऑटोमेशन टूल डाल देंगे, सेलेनियम। ओके, सेलेनियम डाल दिया। और अभी अगर हमारे पास कोई और स्किल है तो हम न्यू स्किल करके डाल देंगे, नहीं है तो इतना बहुत है। अभी क्या करेंगे, अब हम ये देखने कि हमें कितना ऑटोमेशन का या कितना सेलेनियम का एक्सपीरियंस चाहिए। तो आप देख रहे होंगे छोटा सा बॉक्स होगा, ईयर्स लिखे होंगे और उसके साइड में एक रीसेंट का बॉक्स होगा। तो जो ईयर्स है उसमें सपोज हमें 2+ ईयर्स का सेलेनियम डेवलपर चाहिए, QA एनालिस्ट चाहिए, तो हम उस ईयर्स वाले बॉक्स में दोनों में ऑटोमेशन के आगे भी और सेलेनियम के आगे भी दोनों में 2-2 डाल देंगे। फिर रीसेंट, रीसेंट का मतलब क्या होता है कि रीसेंट एक्सपीरियंस देख रहे हैं क्या आपको रीसेंटली बंदे का एक्सपीरियंस चाहिए कि उसने सेलेनियम पे काम किया हो, तो आप रीसेंट में क्लिक कर सकते हैं। इससे रिजल्ट्स थोड़े से कम हो जाएंगे, लेकिन आप चाहें तो इसे टिक कर सकते हैं, बेस्ट रिजल्ट आएंगे। अब आते हैं हम टाइटल्स पे। टाइटल्स पे आने का मतलब अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं कि हमें क्या क्या टाइटल्स से लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले QA लिख सकते हैं, फिर उसका अल्टरनेट डाल देंगे क्वालिटी इंजीनियर,
क्वालिटी इंजीनियर डाल दिया, फिर क्वालिटी इंजीनियर को क्यूई डाल सक भी बोलते हैं, तो अल्टरनेट प्रेस करके क्यूई डाल देंगे। फिर हम उसको टेस्टर भी बोलते हैं, तो टेस्टर डाल देंगे। फिर हम उसको टेस्टिंग इंजीनियर भी बोलते हैं, टेस्टिंग इंजीनियर डाल देंगे। तो ऐसे करके जितने भी ऑल्टरनेट्स होंगे हम सारे ऑल्टरनेट्स इसमें डाल देंगे। अब नाउ अब हम आते हैं एक्सक्लूड पे। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है दोस्तों? कई बार हम जब यूएस स्टाफिंग में जब हम कैंडिडेट्स को सर्च करते हैं तो हम बहुत बार देखते हैं कि फेक कैंडिडेट्स आते हैं, या फिर मोस्टली एम्प्लॉयर्स ने रेज्यूमेस अपलोड किए होते हैं। तो हम इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो हमें एक्सक्लूड का इस्तेमाल करना होगा। सबसे पहले सपोज हम यूएस सिटीजन और ग्रीन कार्ड ही ढूंढ रहे हैं, तो अगर हम सीधा स्ट्रिंग में डाल देंगे ग्रीन कार्ड एंड यूएस सिटीजन, तो बहुत कम लोग लिखते हैं कि आई एम यूएस सिटीजन, आई एम ग्रीन कार्ड होल्डर, तो उनके रेज्यूमेस तो आ जाएंगे, लेकिन जो ग्रीन कार्ड और यूएस सिटीजन होंगे और उन्होंने लिखा हुआ नहीं है, उनके रेज्यूमेस कम आएंगे। तो जो मैं स्ट्रेटजी अप्लाई करता हूँ, सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं इसमें EAD एक्सक्लूड में डाल देता हूँ, H1B एक्सक्लूड में डाल देता हूँ, और OPT एक्सक्लूड में डाल देता हूँ। और एक आप जानते होंगे कि एक यूनिवर्सिटी है JNTU, वैसे मैं इस यूनिवर्सिटी का कोई मतलब नेगेटिव चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ उसके बारे में, लेकिन कई बार हम कैंडिडेट्स को जो यहाँ से होते हैं उनको कई बार अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो हम यहाँ पर JNTU भी डाल सकते हैं। और जब हम ये सब डाल देंगे तो हमें सीधा जाना है अपने सर्च बार पर, और आपके रिजल्ट आ जाएंगे, और आप देखेंगे कि मोस्टली रेलेवेंट रिजल्ट्स होंगे। टाइटल सबका रिलेटेड होगा, QA से, टेस्ट इंजीनियर से, क्वालिटी इंजीनियर से, SDET से, QA ऑटोमेशन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एनालिस्ट, ये सब करके टाइटल्स आएंगे, तो आपके बहुत ही रेलेवेंट रिजल्ट आएंगे। और ज़्यादातर क्योंकि हमने EAD, OPT, H1B ये एक्सक्लूड कर दिया है, तो ज़्यादातर चांसेस है कि आपके यूएस सिटीजन और ग्रीन कार्ड ही रिजल्ट में आएंगे। तो ये तो बात थी कि हम जॉब डिवा में कैंडिडेट्स को सर्च कैसे करते हैं। अब अगर हमें ईमेल मर्ज करना है, इन्हीं कैंडिडेट्स को हम ईमेल मर्ज करना चाहते हैं एक साथ, मतलब 100, 200, 300 कैंडिडेट्स को ईमेल मर्ज कर देना चाहते हैं, तो यहीं पे बार दिया हुआ है जिस पे लिखा है ईमेल मर्ज, आप उसे क्लिक करेंगे, उसके अंदर जाके टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे और ईमेल मर्ज हो जाएगा। आपको सेलेक्ट करना है कि आपको कितने बंदों को ईमेल मर्ज करना है। मैक्सिमम आप एक बार में 999 कैंडिडेट्स को ईमेल मर्ज कर सकते हैं, और उससे कम जितना चाहे। तो दोस्तों ये थी जॉब डीवा का पार्ट 1, जिसमें सिर्फ मैंने आपको बताया कि आप कैंडिडेट को सर्च कैसे कर सकते हैं और कैसे जॉब डीवा से अपना रिजल्ट बेस्ट ला सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको जॉब डीवा चलाना थोड़ा सा समझ में आया होगा। मैं अगर इसका रिस्पॉन्स सही रहा इस वीडियो का, तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं जॉब डिवा के और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जॉब डिवा इज़ एन ATS एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम्स, तो आप सोर्सिंग से लेके ऑफर रिलीज तक सब कुछ जॉब डिवा से कर सकते हैं। अगर इस वीडियो का रिस्पॉन्स सही आया तो मैं वो सारी चीज़ें पार्ट वाइज बना के अपलोड करूँगा ज़रूर। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।